नमस्कार दोस्तों, शांति के राजा चैनल में आपका स्वागत। मैं कैप्टन जेसन थॉमस, एक स्पेशल प्रोग्राम यूथ स्पेशल सपनों की उड़ान में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है एक बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है। शांति का राजा इस चैनल ने जब मुझसे बोला कि मुझे एक टॉपिक पे बोलना है, सबसे पहले ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया था, गॉड लिसन टू आवर प्रेयर्स। भगवान हमारी सुनता है, वो 100% सुनता है दोस्त। 100% हमारी प्रेयर्स, हमारी इच्छाएं, हमारे विशेष वो पूरी करता है। अब मैं आपको उसके पीछे का साइंस बताता हूँ। साइंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे का राज बताता हूँ। मेरे इतने सालों की जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे खुद की गलतियां रही या मेरे खुद की बेवकूफियां रही, उस खुदा को मानने के ऊपर, उन खुदा के उनसे कुछ मांगने के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, जो भी मेरी गलतियां, जो भी मेरी अच्छाई, जो भी चीज़ मेरी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की निचोड़ आज मैं आपके सामने लाया हूं मेरे खुद के एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा। सवाल ये है, मेरे युवा साथी जितने भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मेरे को इस चैनल पे अभी देख रहे हैं, वो सुबह देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी शादी हुई, शादी हुआ, आपका बहुत प्यारा रिलेशनशिप रहा, और एक दिन आपको पता चला कि आप मम्मी बनने वाले हो, आप पापा बनने वाले हो। और वो दिन भी आया जब एक मासूम सा लड़का लड़की इस दुनिया में आप लेके आए, और इमेजिन करो उस दिन दोस्त, अगर खुदा तुम्हारे सामने, वो भगवान, वो अल्लाह, वो जीसस तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और पूछे तुमसे, मांग, क्या मांगना चाहता है। आप सोच के 2 सेकंड लीजिए और सोच के देखिए, क्या आप मांगोगे अपने बच्चे के लिए। अब इस सवाल के साथ में एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं या क्या आप मानते हैं ये चीज कि हम उस ऊपर वाले के बच्चे हैं। 100% आप मानते होंगे कि हम उस ऊपर वाले के बच्चे हैं, हम उस ऊपर वाले के संतान हैं। दोस्तों आपके संतान के लिए वो खुदा आपसे पूछता है कि मांग, क्या मांगेगा, क्या मांगेगा अपने बच्चे के लिए। एक बार सोचना जरूर, ये मत मांगना जो आप नहीं कर पाए, वो मत मांगना, उस बच्चे के हिसाब से मांगना। अगर मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ मांगना पड़े, तो मैं ये मांगूंगा कि उसको दुनिया भर की खुशियां दे दे, उसको दुनिया भर का प्यार दे दे, उसको दुनिया भर का ज्ञान दे दे, उसको प्रैक्टिकली बोलूं तो दुनिया भर का पैसा दे दे, उसको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बना दे, यही सब मांगूंगा। टेक्निकली स्पेसिफिकली ये सब मांगूंगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे वो पिता ने हमारे लिए क्या मांगा होगा। अरे दोस्त, हमारे लिए भी उन्होंने यही तो मांगा होगा कि मेरे बच्चे को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाए, दुनिया का सारा प्यार उसको दे दे, दुनिया का सारी खुशियां उसको दे दे, दुनिया के सारे पैसे उसको दे दे, दुनिया की सारी सफलताएं उसको दे दे, यही मांगा होगा ना। लेकिन आखिर में उन्होंने एक लाइन लिखी, अगर मेरा बच्चा चाहेगा तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। दोस्त, अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा तुम्हें सफल बनाने के लिए, वो खुदा मुझे पाप देगा। तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा, तुम्हें खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। वो खुदा तुम्हारे सामने आके एकदम से तुम्हारी इच्छाएं चमत्कारिक रूप से पूरी नहीं कर देगा। अब देखिए दोस्तों, मैं अपना एक किस्सा आप लोगों को सुनाता हूं। ये बात मैं कर रहा हूं बहुत साल पुरानी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरी एक टीचर है, मैं उनका नाम स्पेसिफिकली यहाँ लेना चाहूँगा, वैसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे जो बनाया है तो मेरे को उनका नाम लेना चाहिए, वो भी मेरे लिए एक किस्म से भगवान है। उनका नाम है अमृता श्रीवास्तव। उस मैडम ने मुझे जिस तरीके से मौके दिए स्कूल में, शायद किसी और ने नहीं दिए, और उस मौकों की वजह से आज मैं यहाँ खड़े होकर आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। दोस्त, जब मैं 9th में पढ़ता था, तब मेरे मन में कहीं से ख्याल आया, एक दिन मेरे डैडी ट्रक चलाते थे, ट्रक ड्राइवर थे। तो एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होगी आपको पता होगा। एक दिन शाम को आए, मैंने देखा वो बिल्कुल काले पीले हो रहे थे, ऑयल में हो रहे थे, बट मैं डैडी को हक किया, और उस दिन मैंने डैडी को देखा बहुत थके हुए थे,
और मेरे हाथ में उन्होंने 10 रुपए का नोट दिया। उस जमाने में 10 रुपए का नोट बहुत बहुत बड़ा होता था। और उस दिन मेरे जहन में आया, मेरे डैडी कितने मेहनत करते हैं। और उस दिन रात से मैं जब भी प्रार्थना करता था, मैं भगवान से ये दुआ करता था, हे प्रभु मुझे इस काबिल बना दे कि मैं कुछ कमा पाऊँ, एटलीस्ट इतना कमा पाऊँ कि मैं अपने स्कूल की फ़ीस भर पाऊँ। मेरी स्कूल की फ़ीस हुआ करती थी 50 रुपये मात्र, 50 रुपये मेरी स्कूल की फ़ीस हुआ करती थी महीने की, वो भी भर नहीं पाते थे हम लोग। तो वो 50 रुपये के लिए रोज़ मैं दुआ करता था, हे प्रभु मुझे इस काबिल बना दे कि मैं 50 रुपये महीने कमा पाऊँ। मैं स्कूल के बाद कई ऐसे किराने की दुकानों में जाके मैं काम मांगता था कि मुझे आप काम दे दो, मुझे महीने के 50 रुपये दे दो, बहुत है। किसी ने नहीं दिया। और मैंने देखा दो दो तीन तीन घंटे लोग काम करते थे, उनको तो 500-600 रुपये महीने के मिलते थे, वो मुझे 50 रुपये कोई देने को नहीं। रोज़ रात को मैं सोने से पहले प्रार्थना करता था और भगवान से ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे आपने ऐसा क्यों बनाया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया। मुझे नहीं पता था उनका कुछ और इच्छा है। अब दोस्तों एक दिन मैं जब स्कूल में पहुंचा, मैंने देखा नोटिस बोर्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है, जेसन थॉमस। पता कहाँ लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ था, रतलाम का रहने वाला हूँ। रतलाम में एक इंटर स्कूल एथलीट कॉम्पिटिशन होने वाला था जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब होने वाला था। मेरी मिस अमृता मैडम ने, उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम दे दिया। उनको लगा ये लड़का जो है दौड़ता अच्छा है तो ये कुछ कर जाएगा। उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम दे दिया। दोस्तों मैं जब नोटिस बोर्ड में देखा मैं तो घबरा गया। मैं मैम के पास गया, मैम से बोला, मैम से हाथ जोड़ के बोला, मैम मैं ये कंपटीशन में जा नहीं सकता। मैम ने बोला बेटा मैं तेरे को देखता हूँ, पकड़म पार्टी खेलता है, इतना अच्छा दौड़ता है, तू तेरे को जाना चाहिए। मैं बोला मैडम मैं तो जा ही नहीं सकता, मैंने आज तक लाइफ में कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेलना। बट फाइनली मैम हार गई, मैं मना लिया उनको और मैं मेरा नाम काट के मेरी क्लास के एक स्टूडेंट का नाम दे दिया जो कि मुझसे 50% कमज़ोर था। कमज़ोर मेरे कहने का मतलब उसके टैलेंट में और मेरे टैलेंट में कहीं ना कहीं 50% का अंतर था, इसीलिए मैम ने मेरा नाम दिया था। लेकिन मजबूरी थी, मैं नहीं मना कर रहा था तो उस बंदे का नाम दिया। और ये एक संडे, एक रविवार के दिन ये होना था, ये कॉम्पिटिशन रतलाम के नेहरू स्टेडियम में ये कॉम्पिटिशन हुआ। रतलाम के 8 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो लड़का था हमारे क्लास का, इसने 100 मीटर 200 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले, हर रेस में, हर गेम में फर्स्ट आया। ये ध्यान रखिएगा, ये बंदा मुझसे 50% कम था बट फिर भी फर्स्ट आया। मुझे जरा सा भी जलन नहीं हुआ दोस्त, जरा सा भी। मैंने उसको अप्लाउड किया, हम सब ने उसको अप्लाउड किया और उसकी जीत को हमने सेलिब्रेट किया और उसको कंधों पे उठा के हम लेके गए। और पता है आपको दोस्त, उसके वजह से हमारे स्कूल ने टॉप किया, हमारे स्कूल को वो जो बड़ी सी ट्रॉफी थी वो मिला और उसको स्कूल में लेके आए। हम सब लोगों ने खूब मस्ती करी उस दिन, खूब मज़ा किए। दूसरा दिन सुबह मंडे को असेंबली में सब लोग खड़े थे, मैं भी अपने क्लास में सबसे पीछे खड़ा हुआ था। तो प्रिंसिपल मैम आई, उन्होंने बताया कि हम फर्स्ट आए हैं, पूरे रतलाम में फर्स्ट आए हैं और इस जीत का श्रेय जाता है। मेरे दोस्त का नाम लिया, उसको स्टेज पे बुलाया, उसको फूलों की माला पहनाई और बोला कि ये लड़का हमारे स्कूल का गौरव है। और हम लोगों ने सबने ताली बजाई और फाइनली मैम ने बोला कि ये लड़का हमारे स्कूल का गौरव है, अब ये जब तक स्कूल में पढ़ेगा इससे फीस नहीं ली जाएगी। और उस टाइम मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उस टाइम मेरे आँखों में आंसू आ गए। उस टाइम मैंने उस खुदा के पावर को समझा कि वो खुदा मुझसे कितना प्यार करता था। वो मुझे किसी के यहाँ पे मजदूरी करने के लिए नहीं, उसने मेरे सामने अपने क्षमताओं को यूज़ करके वो जो इच्छा मैंने मांगी थी उसको पूरी करने की उन्होंने एक ग्राउंड बनाया था, उन्होंने एक भूमिका बांधी थी। दोस्तों भगवान तुम्हारे सामने सिचुएशंस ला के देता है, भगवान खुद नहीं आता, वो सिचुएशन ही भगवान है। उस सिचुएशन में तुम हाँ बोलते हो कि ना बोलते हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी बनाएगी। सिचुएशन में कभी भी ना मत बोलो, सिचुएशन को भांपो और अपनी तरफ से जान लगा दो। या तो तुम जीतोगे या तुम सीखोगे, कभी भी हारोगे नहीं। दोस्त हार दिमाग में रखो ही मत। तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ इन सारे एग्जाम्पल से कि भगवान हमारी सुनता है, भगवान सुनता है। और भगवान ज़मीन पे आके तुम्हारे सामने प्रकट होके कोई चमत्कार नहीं करेगा, चमत्कार तो तुमको करना है। तुम्हारे सामने सारी दुनिया पड़ी है, अब उस दुनिया में तुम जाओ और हाँ बोलो, आगे बढ़ो। कभी भी
प्रॉब्लम से मत घबराओ, प्रॉब्लम को फेस करो। उस खुदा से बोलो, प्रभु आज पूरे दिन भर में मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज दिन भर में मैं कोई दिक्कतें नहीं झेल पाया, प्रभु प्लीज़ मुझे प्रॉब्लम्स दो, और साथ साथ में उस प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत दे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं ये प्रोग्राम के यहाँ पे, मेरे ये जो टॉपिक है यहाँ पे एंड करता हूँ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि इतना युवाओं के लिए सोच रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको पर्सनली जवाब दे पाऊँ। मैं कैप्टन जेसन थॉमस साइनिंग आउट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।